भारत की जनवादी नौजवान सभा करसोग इकाई ने करसोग में पिछले लंबे समय से आ रहे पेयजल संकट की समस्या को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सह सचिव रोहित आजाद व कोसा अध्यक्ष किशोरी लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संकट का कारण सनादली संकर देहरा जंजैहली संपर्क मार्ग पर चल रहा लोक निर्माण विभाग जंजैहली मंडल का कार्य है, जिसे ठेकेदार द्वारा किया गया है, जिससे लोगों के घरों तक पहुंचने वाली पाइपलाइनें टूट गई हैं। जल शक्ति विभाग को बार बार आग्रह करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। विभाग करसोग ने भी इस समस्या के लिए लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार को दोषी माना है। DYFI करसोग ने SDM के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा, जिसमें करसोग में लंबे समय से जो पानी की दिक्कत है उसको लेकर के हमने सरकार को ज्ञापन भेजा। इससे पहले भी हम जल शक्ति विभाग से मिले हैं, लेकिन वहां से भी हमें झूठा आश्वासन मिला है। हम ये सचेत करना चाहते हैं प्रशासन को भी, सरकार को भी, कि आने वाले एक दो दिन में अगर ये करसोग के पेयजल संकट की समस्या दूर नहीं होती है तो मजबूरन DYFI को जनता को लामबंद करते हुए एक उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। उसके लिए स्थानीय प्रशासन व हिमाचल प्रदेश सरकार जिम्मेवार होगी। उज्जवल हिमाचल के लिए करसोग से पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। रोजगार है तो बेरोजगार क्यों, खुद का डोना पत्तल उद्योग लगाएं, महीने का 15 से 25 हजार रुपए कमाएं, कच्चा माल हम देंगे और तैयार माल भी हमें बेच सकते हैं, अपने स्तर पर भी बेच सकते हैं तैयार माल। महाजन ट्रेडिंग कंपनी, द्रमन, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। संपर्क करें 98053 88999, 94183 64833।